किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा खरपतवार का नियंत्रण। जो गुल्ली डंडा खरपतवार है किसान भाइयों, इसकी समस्या लगातार हर साल बढ़ती ही जा रही है। और जो हमारे खरपतवार नाशी हैं, जो जिनकी हमें सिफारिश की हुई है, उसके प्रति प्रतिरोधता भी आ गई है, जिस वजह से किसान भाई दो दो पुड़िया, तीन तीन जो पुड़िया है जो खरपतवार नाशी की और मिश्रण करके डाल रहे हैं, परंतु कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो किसान भाइयों, जैसे ये किसान भाई हैं कैथल से, ये कह रहे हैं कि अगर हम खरपतवार नाशी को मिश्रण करके डालते हैं तो फसल में बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये अब कह रहे हैं कि मेरा तो गुल्ली डंडा किसी दवाई से नहीं मरा, अब मैं क्या करूं। तो गुल्ली डंडा का जो नियंत्रण है किसान भाइयों, हम काश्तकारी तरीके द्वारा भी कर सकते हैं। हमें काश्तकारी तरीके व रासायनिक तरीके दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अक्टूबर महीने में ही बिजाई करें, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बिजाई करने से जो गुल्ली डंडा है वो उसका जमाव कम होता है, क्योंकि तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। गुल्ली डंडे का जो जमाव है वो 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उसमें ही उगता है। और उसके अक्टूबर के महीने में अगर हम 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद बिजाई करेंगे तो ये जो गुल्ली डंडा है इसका जमाव कम होगा। और खेत को ऊपरी तरह सुखा कर ही बिजाई करें, और मेंढों पर बिजाई करने से भी जो गुल्ली डंडा है उसका काफ़ी कम जमाव होता है, क्योंकि मेंढों पे जो नमी है वो कम हो जाती है, इसलिए गुल्ली डंडा का जमाव कम पड़ता है। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से बिजाई करें तो भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि हैप्पी सीडर के ऊपर जो पराली डलेगी या सुपर सीडर से, तो वहाँ पर पराली से उसको ढका जाएगा, उससे गुल्ली डंडा का जमाव कम होगा। तो अगर किसी भी दवाई से या किसी तरीके से गुल्ली डंडा की समस्या कम नहीं होती, तो फसल चक्र में आप धान के बाद सूरजमुखी या धान के बाद आलू ले सकते हैं, आलू के बाद सूरजमुखी ले सकते हैं, और धान के बाद गोभी या सरसों ले सकते हैं, गोभी या सरसों के बाद गन्ना ले सकते हैं। तो दो तीन साल अगर आप फसल चक्र में अपनाएंगे तो गुल्ली डंडा की समस्या कम हो जाएगी। रासायनिक तरीकों द्वारा भी हम गुल्ली डंडा का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें और बिजाई के तुरंत बाद 2 लीटर स्टॉम्प, 30 EC पेंडीमिथिलीन और 60 ग्राम अवकीरा जो 85 WG के नाम से आता है, पायरोक्सोसल्फोन साल्ट को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। परंतु छिड़काव करने से बाद या छिड़काव करने के समय खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नमी कम हो तो पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और पहली सिंचाई से पहले भी अगर गुल्ली डंडा जाम जाता है, 2-4 पत्ती का हो जाता है कई बार अच्छी नमी होने के कारण, तो हम 2 खरपतवार नाशी हैं सल्फोसल्फोनोन की 13 ग्राम मात्रा और टोटल की 16 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर सिंचाई से 1-2 दिन पहले ही छिड़काव कर लें। लगातार एक ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करने से उसमें प्रतिरोधता बढ़ जाती है, इसलिए किसान भाइयों हर बार ही अलग अलग ग्रुप के खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें, जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम किया जा सके। गुल्ली डंडे के लिए जो खरपतवार नाशी है वो सामने आप फोटो में देख रहे हो, लीडर है, 24D है, ACM9 है, जो एक्सियल है और एटलांटिस है, सल्कोर भी मिलाकर आजकल डालते हैं या मिली मिलाई मिश्रण आते हैं क्लोडिनाफोप के साथ। तो ये खरपतवार नाशियों का आपने प्रयोग करना है। तो इसके छिड़काव में सही तकनीक का अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसान भाइयों अच्छे परिणाम चाहते हो तो खरपतवार नाशियों का सही चयन, सही मात्रा में, सही समय पर छिड़काव करें, अच्छी नमी में करें। परंतु ज़्यादा नमी होने से, जैसे कुछ खरपतवार नाशी हैं अटलांटिस, शोगन, ACM9 आदि के इस्तेमाल में नुकसान पहुँच सकता है, और स्प्रे पंप, बैटरी वाले पंप या हस्तचालित पंप से ही करें। सही नोजल का प्रयोग करें, हमेशा कट वाली या फ्लैट हेड जो टक वाली नोजल का ही प्रयोग करें, जो कीड़ों के लिए प्रयोग की जाती है उसका फुहारा खाली होता है, इसलिए उस नोजल का प्रयोग ना करें। पानी की मात्रा कम से कम 200 लीटर प्रति एकड़ व बाद में छिड़काव के लिए 150 लीटर प्रति एकड़ का प्रयोग करें, और खरपतवार नाशियों का मिश्रण बनाकर खेत में डालें। ये खरपतवार नाशी जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये देखो छिड़काव का सही तरीका अपनाना चाहिए। ऊपर दो किसान भाई जो होलोकोन नोजल का बाएं तरफ प्रयोग कर रहा है जो कीड़े के लिए होती है, बीच में से फुहारा खाली होता है, और ऊपर जो ट्रैक्टर चालित है स्प्रे पंप कहीं ज़्यादा पड़ जाता है कहीं कम पड़ जाता है, इसलिए तरीके ठीक नहीं है। 2 वाली नोजल, फ्लैट पैन नोजल या जो फ्लड जेट नोजल है, और 3 वाली जो डंडी पर लगी होती हैं उनका ही इस्तेमाल करें। ये जो नोजल है फ्लैट पैन और फ्लड कट नोजल का, वेरिएबल कोन नोजल का अपने छिड़काव नहीं करना।
आप देखो तीन वाली नोजल लगी हुई है कि किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार पाड़ा ले लिया, परंतु जो कोने में है 30% मात्रा कम भरता है, जो छिड़काव कम होता है, इसलिए अगर आप तीन वाली नोजल का प्रयोग करेंगे तो वो उसको ढक लेगी और इससे सभी प्रकार के जो पाड़े नहीं खाली रहेंगे खेत में और अच्छा खरपतवार नियंत्रण का हो जाएगा। तो जो नोजल है वो भी क्षतिग्रस्त नोजल नहीं होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त नोजल का प्रयोग करने से जो स्प्रे है आप देख रहे हो कि कहीं ज़्यादा पड़ता है कहीं कम पड़ता है, तो एक नई नोजल हर साल एक बार नई नोजल का चयन करें और नई नोजल से ही छिड़काव करें। धन्यवाद किसान भाइयों।